पूल पार्टी में बहुत मजा आया। क्या दिन आ गए हैं, लोग अपने पर्सनल गोवा ट्रिप और मौज मस्ती को वेब सीरीज और कंटेंट क्रिएटर के शो का नाम दे रहे हैं। मतलब भगवान से तो डरो, जनता माफ नहीं करेगी तुम्हें। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, and you just can't get into it because they would never understand. क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। वैसे तो इस शो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इस शो के कंटेस्टेंट के कंटेंट का ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो शो को ही क्या जरूरत है किसी कॉन्सेप्ट और कंटेंट की। पूरी सिद्धत के साथ इन्होंने 5 दिन बर्बाद करने के बाद जो शो बनाया ना, 5 दिन मैं सिद्धत से बर्बाद करने के बाद एक वीडियो नहीं बना पाती। ओह, अब समझ में आ गया, कंसेप्ट और कंटेंट तो चाहिए ही नहीं होता इनको, तभी तो बन गया पूरा का पूरा शो, वो भी 5 दिन में। सही पकड़े हैं। सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं, और थैंक यू लास्ट फेमस वाली वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए। आज हम इनको थोड़ी और इज्जत बख्शेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। What is going to happen here? पूल में जाना है। हाँ, नहाने तो आयो, कंटेंट की क्या जरूरत है? रोमांस। वैसे हमें पता था कंटेंट क्रिएशन इनके बस की है नहीं, और अच्छी बात तो है ये लोग कोशिश भी नहीं करते, बस नहा धो के कमर मटका के अपना काम चला लेते हैं। तारीख, कल हमने देखा कि आपके थोड़ा सा यहाँ पे टिफ हो गया था, पीपल थिंक कि आप उस लेवल पे नहीं है। इन एंकर साहिबा को कितनी बड़ी गलतफहमी है कि यही बंदा उस लेवल पे नहीं है। अरे हमसे पूछो, ये जो जनता वीडियो देख रही है मेरी, इनसे पूछो, वो सारे के सारे ही उस लेवल पे नहीं है। गजब बेइज्जती है। They are super excited. मैं भी उतनी ही ज़्यादा excited हूँ। लगता है एंकर की पेमेंट रोक रखी है मालिक ने, तभी ये इनका कंटेंट देखने के लिए excited हैं। नहीं मतलब मेरी तो मजबूरी थी, क्योंकि मेरे को ये वीडियो बनानी थी। सह लेंगे थोड़ा सा। अरे कोई इनसाइडर तो दो यार। गजब पागलपन है यार, शो तुम्हारा, कंटेस्टेंट तुम्हारे, और इनसाइडर तुम्हें वो दे, नहीं मतलब तुम्हें कंटेंट दे रहे ना, वो दे रहे ना कंटेंट। आर यू कॉमेडी मी? मैं इधर पागल नहीं हूँ। तू है, तेरे को पता नहीं है, लेकिन तू है यार। जितने ये लोग अपने टैलेंट की वजह से फेमस नहीं है, उससे ज्यादा तो अपने फिल्टर की वजह से फेमस है। नहीं मतलब पर्सनली फिल्टर्स मेरे को ही पसंद है, और आपको ही पसंद होगा अलग अलग फिल्टर्स ट्राई करना। तो मैं आपको बताती हूँ कैमरा आपके बारे में, जिसका नाम है ब्लूम कैमरा। इस ऐप में आपको तरह तरह के ब्यूटी फिल्टर मिल जाता है, यानी कि कैमरे पे ही आपका मेकअप हो जाएगा एकदम जहर वाला। फिल्टर्स के साथ साथ इस ऐप पे बहुत ही सारे स्टिकर्स भी है, जैसे कि मैं कुछ आपको यूज करके दिखाता हूं। ये मैंने लगाया 2021 का स्टिकर, और हैप्पी न्यू ईयर वाला, और यहाँ पे क्रिसमस भी है, वाओ, साथ में भूतिया भी है, मैं डर जाऊंगी खुद से। और ये क्यूट वाला, फिर एटीट्यूड चश्मा, स्टाइल वाला चश्मा। और इतना ही नहीं, साहब आप अपने फनी जीआईएफ भी बना सकते हो, बस आपको अपने पिक्चर सेलेक्ट करनी होती है। जैसे कि मैंने ये कर लिया, और अब ये लगाया, ये वाला मेरे को पसंद आ रहा है तो मैंने इसको सेव कर लिया। अब ये डांस करने वाला ही मेरे को पसंद आया तो मैंने ये भी सेव कर लिया। तो यार ऐप की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ डाउनलोड करो, नहीं तो आप सीधे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो ब्लूम कैमरा सर्च करके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे अगर तुम लोगों को गलतफहमी ना हो तो मैं बता दूं, इस शो की टैगलाइन है, यहां बनेगा सुपरस्टार। कैसे? अच्छा, ओह फाइन फाइन फाइन, ये करके बनेंगे सुपरस्टार। मेरे गली के बच्चे फिर तो रॉकस्टार हैं, कंचे खेलने में तो एकदम उस्ताद हैं वो, हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और एक मिनट, इस बंदे का लेवल लो बता रहे थे ना, अब ये बॉल उसमें डाल के अपना लेवल अप कर लेगा, हैं? कुछ भी। सुनो, किसी की मर्दानगी पे बोलेगी ना? बोलते तो हम भी है तुम्हारे टैलेंट के ऊपर, हैं? क्या उखाड़ लोगे तुम? डरे हैं? जिम करें। वैसे टैलेंट बेस्ड शो है तो लड़ो ना टैलेंट के ऊपर, लड़ो ना, हमें भी मजा है देखने के लिए। हाँ टैलेंट पे लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये लड़ेंगे किस पे? मैं मर्दू मर्दानगी है। मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। इज्जत देगा, इज्जत मिलेगी। अरे तू जा रही? नहीं, पर मेरे को प्रॉब्लम है, मैं सबके पास गया, मैंने कहा वीडियो बना लो, तो कहते अभी एक मिनट रुक जा, सब यही करते थे। और इनको मैंने 5 बार बोला, मैं सुबह गया, कल भी बोला इनको, कहते मैं अभी खाना खा रही हूँ, फिर आज सुबह गया, कह रही मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँ क्या, फिर मैंने वो खड़े हुई वहाँ पे, मैंने कहा कहते अभी। ये भाई कितना भोला है, इसको लग रहा है कि टाइम ना होने की वजह से वो इसके साथ वीडियो नहीं बना रही है, लेकिन असल बात तो ये है उसके पास कॉन्टेंट ही नहीं है इसके साथ वीडियो बनाने के लिए। यार तो ये बताओ, मैं यहाँ टाइम पास करने आया हूँ क्या शो में?
कहते हैं ना, तुम लाख छुपा लो मगर सच निकल ही आता है। भाई तू अकेले टाइम पास करने नहीं आया इस शो में, जितने हैं ना बाकी के वो सारे इधर टाइम पास करने ही आए हैं। अंगूठा लगवा ले। इस शो के मैंने 4 एपिसोड देखे, पांचवा भी मुझे देखना पड़ा क्योंकि विनर जानना था। मेरे दिल पे क्या बीती है ना यार, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। 4 एपिसोड देखने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया ये शो है क्यों, चल क्यों रहा है ये शो। नहीं मतलब मैंने इसको सस्ता बिग बॉस क्यों बोला। ये शो देखने के बाद ना तुम्हें बिग बॉस भी अच्छा लगने लगेगा। कोई सेंसेस बात की। अब हम आ चुके हैं अपने आखिरी दिन पे, एंड टुनाइट इज योर नाइट, दिस नाइट इज योर्स, तो ऐसे बोल रही जैसे कि बाकी के 4 दिन तो इनसे बेलदारी करवाई हो। इतना मजा आ रहा था सबको, किसी का वापस जाने का मन नहीं था, सब चाहते थे और अभी थोड़े टाइम यहीं रहें, एंजॉय करें। अच्छा नहीं मतलब एक बात बताओ, फोकट का बीज, फोकट का दारू, फोकट का सुट्टा, फोकट की मौज, फोकट का खाना, सब फोकट का, किसका मन करेगा वापस जाने का बे। अब शो है तो बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड भी तो होगा। एंड में एक बहुत ही बड़ा अवार्ड। मैंने तो सारे एपिसोड देख लिए, मुझे तो कहीं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं दिखा। हाँ क्रिएटर दिखा मेरे हिसाब से, नहीं तुम्हारे हिसाब से। क्या कह रहे हो, तुम्हारे हिसाब से भी क्रिएटर नहीं है वो? ओह तो ठीक है यार, किसी के हिसाब से तो होंगे होंगे। अरे नहीं भाई, the talent that you guys have, the talent पागल औरत, तुझे अक्कल है, तू क्या बोल रही है? I learned so much from all you guys. लगता ही है पागल हो गया। So fame creator of the season वो रहेगा जो आप लोगों को लगता है during this journey of Fame House, जिसने बेस्ट कंटेंट क्रिएट किया। इस शो का अलग ही लेवल है भाई साहब। इन लोगों ने खुद ही शो बना लिया, खुद ही ऑडियंस बन गए, खुद ही वीडियो भी बनाने लग गए और खुद ही कैमरामैन भी हैं। नहीं मतलब इन लोगों को ऑडियंस की कोई जरूरत नहीं है, इनका अपना ही चल रहा है कि हाँ हमारी मर्जी, हम इसे विनर बनाएंगे, ऑडियंस क्या करे फिर। और अगर वोटिंग का सिस्टम होता ना तो नन ऑफ द अबव का ऑप्शन जरूर डालना था, क्योंकि हमारा वोट तो उधर ही जाना था। पहले अपना नाम लिखना चाहता था पर उन्होंने मना कर दिया कि अपना नाम नहीं लिख सकते। यहाँ भाई साहब ये लोग खुद को वोट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्हें पता हम तो लायक है नहीं इस चीज के। और 20 लोगों में से बस 5 लोगों को वोट मिले हैं, बाकी के 15 वहाँ पे क्या मूंगफली छीनने गए थे या अभी गोवा के बीच में मौज काटने सर्दियों के हैं, वहाँ तो गर्मी होगी। Who is the fame creator of this season? आखिरकार इन्हें इनका विनर भी मिल गया, विशाल। अब इसे देख करके बाकी के सारे सोच रहे होंगे हम क्यों नहीं जीते यार, हम भी तो टैलेंटलेस थे, हमारे भी तो मिलियन मिलियन फॉलोवर्स थे, छोटे छोटे नन्ने मुन्ने राही फेम हाउस के सिपाही। खैर इनका ये विनर ढूंढना सेम उसी तरीके का था जैसे अंधों में काणा राजा ढूंढना। टैलेंटेड लोग इधर जाओ, टैलेंटेड प्लस फेमस लोग इधर जाओ, टैलेंटलेस और फेमस लोग फेम हाउस में आओ। वैसे तुम्हें आजू बाजू को दिख नहीं रहा होगा लेकिन देश में यही हो रहा है। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना प्लीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ब्लूम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाओ डाउनलोड करो। लगता है एंकर की पेमेंट रोक रखी है मालिक ने। टैलेंटेड लोग इधर जाओ, टैलेंटेड प्लस